अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर ऑल फाइन। आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ शवारमा की रेड सॉस। जो आप मार्केट से शवारमा लेते हैं उस पर जो रेड सॉस लगती है उसका तरीका। शवारमा तो यकीन सबको पसंद होगा, लेकिन अगर घर में बनाया जाए तो वो ज़्यादा मज़े का और अच्छा बन सकता है और साफ़ सुथरा बन सकता है। बच्चे शौक से खाएंगे तो उसके लिए दो सॉसेज वहाँ पर इस्तेमाल हो रही होती हैं, वाइट और रेड। वाइट सॉस भी मैं आपको सिखाऊंगी, लेकिन पहले मैं आपको रेड सॉस बनाना आज सिखा रही हूँ। उसके लिए मैंने सबसे पहले 20 रेड मिर्चें पानी में भिगो दी है मैंने लेके। ये देखें, इनको अच्छी तरह से, इसको 15 से 20 मिनट हो गया मैंने डिप कर दिए पानी में। ये मैं ग्राइंडर करने के लिए जग में डाल दूंगी 20 मिर्चें। ये देखे मैंने डाल दिए। अब मैं इसमें डालूंगी सात से आठ चम्मच लहसुन के और एक दरमियानी प्याज कटी हुई, ये भी इसमें ऐड कर दूंगी। 3 टेबलस्पून मैं ऐड करूंगी इसमें सोया सॉस। और 3 टेबलस्पून ही इसमें जाएगा सिरका। हाफ टेबलस्पून नमक ऐड करेंगे और 3 टेबलस्पून इसमें मैं कुकिंग ऑयल ऐड करूंगी। अब मैं इसको ब्लेंड कर लूंगी 2-3 मिनट्स के लिए। जी, हमारी सॉस ब्लेंड होगी अच्छे तरीके से। ये देखें, इसको मैं अब निकालूंगी बाउल में। ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी होती है, इसलिए इसको बहुत कम लगाया जाता है शवारमा में। और इसमें आप कलर भी डाल के इसको ज़्यादा अगर ऐड करना चाहते हो तो इसमें कलर भी ऐड कर सकते, लेकिन मैंने फिलहाल इसमें कलर ऐड नहीं किया, इसको ऐसे ही रहने दिए। ये देखिए, मज़ेदार से हमारी रेड सॉस जो रेडी हो गई है। इसको आप बच्चों को सैंडविच में भी लगा के दे सकते, लेकिन बहुत कम क्वान्टिटी में, और शवारमा में इसका बहुत मज़े का टेस्ट आता है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और बहुत जल्द मैं आपको वाइट सॉस भी बनाना सिखाऊंगी इंशाल्लाह। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ और एक नई रेसिपी के साथ इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।